ओम नमः शिवाय। बाल गोविंद भगत, इस पाठ से हम अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? दूसरा प्रश्न, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? अचरज यानी आश्चर्य। तीसरा प्रश्न है, भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? चौथा और अंतिम प्रश्न, भगत जी के समक्ष पतोहु की विवशता का कारण बताइए, यानी उनकी जो बहू थी उसकी विवशता का क्या कारण था, इसका उत्तर लिखना है। बच्चों, यहाँ पर बाल गोविंद भगत इस पाठ से अभ्यास कार्य के लिए आज 4 प्रश्न दिए जा रहे हैं, जिनके उत्तर आप अपनी लिटरेचर कॉपी में लिखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।